हेलो, आवाज आ रही सभी को? हाँ सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कराया था। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल। तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। यस प्रणव, सब लोग नहीं आए, दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बोर्स मॉडल जो है ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए है। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्वियसली इसके लिए एप्लीकेबल है। हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हीलियम पॉजिटिव,
हीलियम पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन ही बचा ना, तो ऑब्वियसली इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एप्लीकेबल नहीं। लिथियम पॉजिटिव जो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचे कितने, दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन का अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। लिथियम 2 पॉजिटिव जो है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जिन जिन में 1 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ही बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। हम ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्थिति, हाइड्रोजन लाइक क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन जैसे कौन कौन हमारे पास है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए बोर्स मॉडल अप्लाई कर सकते। ओके, तो ये नील्स बोर जो है ये एक्चुअली क्या है, रदरफोर्ड का ही कलीग था, तो इसने क्या किया, रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक थे उसको दूर किया और खुद का मॉडल दे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ, और जहां पर रिवॉल्व करता है उसको नाम दिया ऑर्बिट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड डेफिनेट सर्कुलर पाथ, और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर वही जैसे हमने रदरफोर्ड मॉडल के टाइम भी बताया था, यार अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमारे पास आउटवर्ड फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड फोर्स जो है वो इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होगा, बैलेंस। ठीक है, तो अभी हम यहां पर बताएंगे कि वो बैलेंस कैसे होता है, पहले ही लिख लो। बोर्स मॉडल के बाद ब्रैकेट में हमने लिखा है फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हो गया सबका। यस वंस, रदरफोर्ड ने भी ये दोनों पॉइंट मेंशन किए थे, बट रदरफोर्ड ने ऑब्वियसली उसको ऑर्बिट नाम नहीं दिया था, बोर ने उसको ऑर्बिट नाम दे दिया। ठीक है, सर्कुलर पाथ को बोर ने क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट नाम दे दिया। तो
अब देखो फोर्स बैलेंसिंग कैसे हो रहा था, तो न्यूक्लियस है अपने पास ये, ठीक है, और ये इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी वी, इसका मास एन, रेडियस ऑब्वियसली आर है। अच्छा न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है यार, न्यूक्लियस पे क्या है, प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का चार्ज ना, प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई से, ठीक है। ई क्या है, ई 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों सेम होते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन है यार, एक, सॉरी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 × 10⁻¹⁹, मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, उसको ऑब्वियसली हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन की बजाय हीलियम पॉजिटिव है, तो फिर कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस पे, हीलियम पॉजिटिव में कितने प्रोटॉन होंगे, ऑब्वियसली दो प्रोटॉन होंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, तो हीलियम पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस पे दो प्रोटॉन होंगे, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 2 times of E। अगर लिथियम 2 पॉजिटिव है तो कितने प्रोटॉन होंगे, लिथियम 2 पॉजिटिव है तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियस पे, 3 प्रोटॉन, तो चार्ज हो जाएगा 3 times of E। ओके, सो बेसिकली न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू ई है ना, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू ई चार्ज होगा, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, मतलब जेड, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जेड लिख देंगे, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज आया वो आ गया जेड इंटू ई। ऑब्वियसली हाइड्रोजन है तो चार्ज ई हो गया, सब्स्टिट्यूट करके देखा है, हाइड्रोजन है तो चार्ज ई हो जाएगा, हीलियम पॉजिटिव है तो चार्ज 2E हो जाएगा, लिथियम 2 पॉजिटिव है तो चार्ज 3E हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली न्यूक्लियस पे चार्ज इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ई, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को वी कैन राइट एज जेड ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड इंटू ई, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर उस पर चार्ज है ई, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करेगा, तो जब ये अपनी साइड पुल करेगा तो यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होगा के इंटू क्यू वन, याद है, इंटू क्यू टू डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, याद आया नहीं है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये फोर्स अंदर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड बाहर की साइड फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मतलब दोनों फोर्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो के इंटू जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सो ये हमारे पास दोनों फोर्स जो है उनको हमने बैलेंस किया है, तो अंदर का जो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बाहर वाले फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल रहेगा, एंड इसी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है।
हो गया सभी का। यस करण, एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मेंस में एनसीईआरटी से ही आता है डायरेक्ट एक तरह से, ठीक है, तो यू कैन रेफर एनसीईआरटी ऑल्सो। बाकी नोट्स भी वैसे तो इनफ रहता है, बट फिर भी अगर तुम एनसीईआरटी रेफर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सबका ये? नाउ अब देखो, हमने दो पॉइंट बता दिए तुम्हें, ये दोनों पॉइंट जो है ऑलमोस्ट रदरफोर्ड वाले ही है। नाउ रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था याद है? रदरफोर्ड ने हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताई थी कि इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व करेगा, लेकिन बोर एक तरह से हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देता है। तो बोर क्या बोलता है कि इस टाइप से तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है क्योंकि एटम तो बहुत बड़ा है। तो आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, इसको वैसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मीनिंग क्या है? तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज का मीनिंग क्या है? सो दैट इज एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर जो है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब ये है कि एम वी आर इज इक्वल टू होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इसका 1 टाइम्स हो, इसका 2 टाइम्स हो, इसका 3 टाइम्स हो, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसका n टाइम्स। तो जहां पर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई हो जाएगा वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n जो इंटीजर है, n इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दैट इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर, ओके। सो जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जहां पर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होगा वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, ओके। तो एक तरह से हमें इसके थ्रू बोर हमें क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, ठीक है। यस बिल्कुल, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है प्रणव, प्लैंक्स कांस्टेंट बताया था ना लास्ट लेक्चर में। तो एम वी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन एच अपॉन 2 पाई होना चाहिए, और एन यहां पर क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, 1, 2, 3, 4 वगैरह, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं यार, यहां से हमें आर मिल जाएगा ना, आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ओके। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा, आर मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जहां पर रिवॉल्व करेगा वो डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व कर रहा है? ऑर्बिट में ना, तो ऑर्बिट का न्यूक्लियस से क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा अगर आर मिल गया तो। वंस उसने क्या बोला कि एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब एच अपॉन 2 पाई का 1 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, समझ आया? कि हम इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये एन एच अपॉन 2 पाई हो, जहां पर एन की वैल्यू क्या हो?
1, 3, 4 वगैरह कुछ भी इंटीजर हो, यस वंस नौ साल एक ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी जो है उस ज्यादा सिलेबस तो हमारा जेई एडवांस का है, एनसीईआरटी में चीजें डिटेल में नहीं है। जब चैप्टर खत्म हो कराएंगे तो देखना कि एनसीईआरटी में ज्यादा है हम पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा है। एनसीईआरटी जो है मेंस के लिए इनफ है, एडवांस के लिए नहीं है। हाँ यस सालिक, हमने जो क्लास में कराया है वही पढ़ना है, बट अगर तुम एनसीईआरटी रेफर करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ। यस सुमेन, एनसीईआरटी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर खुद से पढ़ने की ट्राई करते तो प्रॉब्लम होता है, दैट्स व्हाई हम अगर पढ़ा दिए तुम्हें, अभी हमने तुम्हें पढ़ा दिया, अब तुम इसके बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। करण ऐसा कुछ है नहीं, केमिस्ट्री के लिए ऐसा कोई नहीं। हो गया सबका? नो मुफीद, ऐसा जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी से पढ़, अगर किसी को रेफर करना है तो कर सकता है। देखो सुमेध, क्लास मॉड्यूल जो है वो तुम होमवर्क सॉल्व करने के लिए रेफर करो जनरली, थ्योरी के लिए तो मेनली अपने जो लेक्चर नोट्स है वो इनफ रहेंगे। होमवर्क जो है वो हमने जो मॉड्यूल दिया है उससे सॉल्व करो, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए तुम कोई बुक ले सकते हो। ठीक है, हो गया सबका? तो अब देखो, इसके अलावा रदरफोर्ड का एक और ड्रॉबैक था, याद है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं होता था, न्यूक्लियस से टकराता नहीं था, और ऐसा क्यों नहीं होता था इस चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। ओके, तो उस चीज को भी बोर जो है दूर कर देता है। तो बोर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
तो ना तो एनर्जी एमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब वो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो या तो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। बट इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इट आइदर एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ठीक है। तो अगर किसी एक ही ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा। लेकिन अगर वो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा। तो देखो क्या होता है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है, ओके। उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहे, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करके चला गया तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट बोले, उसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो ऑर्बिट शेल एंड स्टेट, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में तो ऑब्वियसली हो गया के, सेकंड ऑर्बिट है तो हो गया एल, थर्ड ऑर्बिट है तो एम, फोर्थ ऑर्बिट है तो हो गया एन, एंड सो ऑन, है ना। ये तो पता ही होगा, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब के शेल, सेकंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम, फोर्थ ऑर्बिट एन, है ना। ऐसे ही आगे अल्फाबेटिकल के एल एम एन ओ पी, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, जैसे हमने अभी भी बताया तुम्हें, फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके बाकी किसी ऑर्बिट में है, चला गया या किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में तो भी एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट में तो भी एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट में तो भी एक्साइटेड स्टेट, तो इनको आपस में डिफरेंस कैसे करेंगे एक्साइटेड स्टेट को। तो अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट में है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट में है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, समझाया। तो अगर मैं बोलता हूँ यार इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेवंथ ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन अगर सेवंथ ऑर्बिट में तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर सेवंथ ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट हुआ, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट हुआ, ठीक है। और अगर मैं बोलता इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में, तो कौन सा ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है तो कौन सा ऑर्बिट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोला मैंने, तो ऑर्बिट नंबर विल बी सिक्स। ऑर्बिट नंबर से एक्साइटेड स्टेट निकालना है तो माइनस वन करो, ऑर्बिट नंबर से एक्साइटेड स्टेट निकालना है तो माइनस वन, ओके। ऑर्बिट नंबर से क्या निकालना है, एक्साइटेड स्टेट निकालना है तो माइनस वन, और एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट नंबर निकालना है तो प्लस वन। एक्साइटेड स्टेट दिया, ऑर्बिट नंबर पता करना है उसका क्या होगा, तो प्लस वन कर दो, एंड ऑर्बिट नंबर दिया और एक्साइटेड स्टेट पता करना है तो माइनस वन कर दो। स्पेलिंग क्या है इसकी, ई एक्स सी आई टी डी, ओके। सो हायर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेड स्टेट है वो, और फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ग्राउंड स्टेट है। होमवर्क लेक्चर के बाद डेली सॉल्व करना है, जिस दिन होमवर्क दिया जा रहा है उस दिन होमवर्क सॉल्व करो, ठीक है। वो हम चेक कर लेंगे कैसे न कैसे करके,
किसी से भी पूछ लेंगे रैंडमली, ठीक है। सो होमवर्क डेली लेक्चर के बाद, जो भी हम होमवर्क दिए लेक्चर के बाद फिनिश करें डेली। थर्ड कॉलम में स्टेट लिखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
देखो होमवर्क जो हमने दिया है उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनके जो वीडियो रिकॉर्डिंग, उनके सॉल्यूशन के वीडियो रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। सब्जेक्टिव का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव हमने किसी दूसरे बैच के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका रिकॉर्डिंग है, वो हम तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे। सब्जेक्टिव हम डिस्कस कर लेंगे। हो गया सबका? चले आगे। नाउ हम देखो अभी आगे लेंगे, मतलब हम रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा। यस लक्ष्मी, नरेंद्र अवस्थी यू कैन रेफर फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए नरेंद्र अवस्थी रेफर कर सकते हो, एन अवस्थी या नरेंद्र अवस्थी, ठीक है? तो फॉर प्रैक्टिस यू कैन रेफर दिस। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर तुम्हें करनी है बुकलेट के अलावा, सो यू कैन रेफर दिस। तो हम क्या बता रहे थे कि अभी हम आगे रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी वो भी फॉर्मूला देखेंगे, एंड एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि रेडियस वर्सेज ऑर्बिट ग्राफ तुमसे पूछ सकता है कि रेडियस और ऑर्बिट नंबर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, या रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ठीक है? सो वो ग्राफ तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना आता है सबको? तो हमारे पास मान लो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका ग्राफ कैसा होता है यार, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड ग्राफ हम बना रहे हैं y वर्सेस x, तो कैसा ग्राफ आता है इसका? देखो अगर हम x को जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आती है, यस yes, अगर हम x को जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी, ठीक है? तो y की वैल्यू c आ जाएगी, मतलब c हमारे पास यहाँ पर कुछ है, ठीक है? और फिर अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम फिर x को बढ़ा दे तो y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है? तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा और कुछ ऐसा है, ओके? ये ही हो गया इसका इंटरसेप्ट जो पियर सी। इसके अलावा ये अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन विद एंगल थीटा बना रहा है तो इस ग्राफ का या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, एंड वो जो स्लोप है वो टेन थीटा होगा। इसके अलावा उस स्लोप को एम भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन है तो एक्स के साथ जो आता है वो भी स्लोप होता है, ठीक है? तो स्लोप जो है वो क्या हो गया, टेन थीटा या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन अगर है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, नो वंस तुम विजिबल नहीं हो, कोई वेटिंग रूम में विजिबल नहीं है अभी। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास इक्वेशन है। नाउ
तो y इक्वल टू mx प्लस c में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आया विद स्लोप m इंटरसेप्ट c, अब देखो अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, तो y इज इक्वल टू mx जो है उसमें अगर हम y वर्सेज x ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा यार, y इज इक्वल टू mx इक्वेशन है, ग्राफ हमने बनाया y वर्सेज x, तो कैसा ग्राफ बनेगा, अगर हम x को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम यहां पर x को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी ना, ठीक है, तो x को जीरो सब्स्टिट्यूट किया y जीरो हो गया, नो लक्ष्मी m नहीं होगा, x को तुम जीरो कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, m कोई भी नंबर है फ्रेंड, हो कुछ भी हो सकता है m, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, तो y इज इक्वल टू m बाय mx, तो x की वैल्यू जीरो किया तो y जीरो, इसके अलावा अगर हम x बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx जो है वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि यार c की वैल्यू जीरो हो गई ना बस, तो c की वैल्यू जीरो हो गई तो ये वाला पार्ट जो है ये जीरो हो गया, मतलब ये जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है यार कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा m या फिर tan थीटा, ओके, तो y इज इक्वल टू mx इक्वेशन का ग्राफ ऐसा हो गया। नाउ अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू m बाई x एंड हम ग्राफ बना रहे हैं y वर्सेज x, तो कैसा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एम बाई एक्स इक्वेशन है एंड ग्राफ बना रहे y वर्सेज x, तो कैसा ग्राफ आएगा, अगर हम x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो, तो y की क्या आएगी यार, x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट किए तो y की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आ जाएगी, ओके okay? यहां पर x को अगर हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m बाई जीरो इज इन्फिनिटी, ओके, तो इन्फिनिटी को तो ऑब्वियसली शो कर ही नहीं सकते, मतलब x जीरो कब होगा, x जीरो ऑब्वियसली इस एक्सिस पर है ना, तो कब होगा वो, जब y की वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब ऊपर कहीं तो होगा जिसे हम दिखाई नहीं सकते, ठीक है, ऐसे ही अगर हमने y को जीरो किया तो x इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक्सेस को हम कट करता हुआ दिखाई नहीं सकते, क्योंकि कट किया तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली जैसे हम बता रहे हैं कि वाई जीरो कब है जब एक्स इन्फिनिटी है, और एक्स जीरो कब है जब वाई इन्फिनिटी है, ठीक है, तो कट करते हुए इसको नहीं दिखा सकते, लक्ष्मी इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एक ही बात है, नाउ तो बीच में कैसा ग्राफ होगा, दोनों जगह इन्फिनिटी पे कट करेगा तो बीच में कैसा ग्राफ होगा यार, तो देखो x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, अब तुम इसको ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन में बनाओगे तो ये तो कट कर लिया, तो ये एक्चुअली क्या आएगा, ये कर्व टाइप से आता है, हाइपरबोला बोल देते थे, ठीक है, तो इस टाइप से कर्व टाइप से आता है, तो y इज इक्वल टू एम बाई एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा रहेगा y वर्सेज x, ओके, तो देखो क्या होता है, जब हमारे पास ये दोनों एक्सेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इक्वेशन में, ये दोनों एक्सेस के बीच में रिलेशन देखो, अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक्सेस इक्वेशन में, जैसे यहां पर हम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अगर दोनों एक्सेस इनवर्स प्रोपोर्शनल इक्वेशन में तो हाइपरबोला आएगा, इस टाइप से डिक्रीजिंग कर्व आ जाएगा, ओके, नाउ नेक्स्ट वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एम बाई एक्स इक्वेशन हम सेम ले रहे हैं, लेकिन ग्राफ अभी हम y वर्सेज x नहीं बना रहे, हम अभी जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे y वर्सेज 1 बाई x, तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, y वर्सेज 1 बाई एक्स ग्राफ कैसे बनेगा,
वाई और वन बाई एक्स में क्या रिलेशन, वाई और वन बाई एक्स में क्या रिलेशन है? वाई इक्वेशन से हम साफ साफ देख सकते हैं कि वाई जो है वो वन बाई एक्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वाई एक्स के तो इन्वर्सली है, वाई जो है वो एक्स के क्या है, इन्वर्सली है, लेकिन वन बाई एक्स के क्या है, डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी दोनों एक्सेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इक्वेशन में तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये चीज याद रखो, अगर हमारे पास एक्सेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला या डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम बाई एक्स जो है वो एक तरह से क्या लिख दिया उसको हमने, y इज इक्वल टू एम इंटू वन बाई एक्स लिख दिया। ठीक है, तो वन बाई एक्स और y एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो y एंड वन बाई एक्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमने एक्सेस पर भी क्या लिया है, एक जगह y और दूसरी जगह वन बाई एक्स लिया है, तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन आ गया है। यस लक्ष्मी, बिल्कुल यार, फोर्थ का स्लोप होगा, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप तो होता ही है, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब हर बार हम जरूरी नहीं है स्लोप लिखे, स्ट्रेट लाइन है तो वो जो हमने बताया था स्टार्टिंग में स्लोप। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप होता ही है। यस प्रणव, थर्ड का नहीं है। ठीक है, थर्ड का कोई एक्चुअली क्या ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन का एक फिक्स स्लोप है, बट कर्व वगैरह का क्या हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप होता है। कोई भी कर्व होता है तो उसका हर पॉइंट पर डिफरेंट स्लोप होता है, बट स्ट्रेट लाइन का फिक्स स्लोप होता है। यस प्रणव, मैथ्स में तुम पढ़ोगे कि स्लोप कैसे देखेंगे कर्व का। तो हो गया सबका, आगे चलें। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला ग्राफ। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है, एंड इसका हमें ग्राफ बनाना है y वर्सेज x। ठीक है, तो कैसा आएगा ये,
y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर है एंड y वर्सेज x ग्राफ बनाना है। नौ प्रथम y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर दोनों में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो देखो y इक्वल टू एम एक्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम x को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं y 2 टाइम्स बढ़ता है, x को 4 टाइम्स बढ़ाते हैं y 4 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, लेकिन बढ़ थोड़ा लगता है सिरा है, ठीक है यहाँ पर हम x को देखो 2 टाइम्स बढ़ाएंगे y 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, x को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे y 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, ओके तो बेसिकली y ज्यादा बढ़ रहा है x कम बढ़ रहा है, अगर दोनों सेम उससे बढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट से बढ़ रहे हैं ना, x को अगर 2 टाइम्स किया y 4 टाइम्स, x को 3 टाइम्स किया y 9 टाइम्स, x को 4 टाइम्स किया y 16 टाइम्स, तो यहाँ पर y ज्यादा बढ़ेगा x कम बढ़ेगा, तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ होता है ये होता है पैराबोला का ग्राफ, इसका ग्राफ होता है ये पैराबोला का ग्राफ होता है, ये इस टाइप की इक्वेशन पैराबोला की होती है, तो ये कुछ इस टाइप से आता है, ऑब्वियसली x को 0 करने पर y 0 हुआ, ठीक है इसके अलावा जैसे हमने बताया कि x कम बढ़ेगा और y ज्यादा बढ़ेगा, तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, अगर हमने x की वैल्यू माइनस की तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा, ये माइनस x के लिए ग्राफ है, तो ओवरऑल ग्राफ हमारे पास मतलब इस टाइप का कुछ आया, ठीक है तो ये नेगेटिव वाले x का ग्राफ है और ये पॉजिटिव वाले x का ग्राफ, ठीक है तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो चाहे तुम पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव कुछ भी ले लो, y हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि x का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, लेकिन अगर y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ में अगर तुम देखते तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू नेगेटिव लेने पर y नेगेटिव हो जाता है, ओके सो दोनों में डिफरेंस है, ओके प्रणव एक्स स्क्वायर तो पैराबोला ना सर, हाँ यस वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप है तो ये पैराबोला हो गया, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू को टू टाइम्स वाई की वैल्यू होती है क्या पैराबोला में, टू टाइम्स नहीं होता प्रणव स्क्वायर होता है स्क्वायर, जैसे मैंने बोला 4 टाइम्स किया 16 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स किया तो 9 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स नहीं हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, प्रथम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विदाउट एनी पावर तो स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विदाउट एनी पावर तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर पावर में 2 आ गया या स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है इसको ऐसे बोलो कि अगर हमारे पास एक एक्सेस दूसरे एक्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला, लेकिन अगर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला, ओके अगर एक एक्सेस दूसरे एक्सेस पे क्या है स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला, जैसे देखो एक और यहाँ पर ले लेते हैं पैराबोला से रिलेटेड ही, हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है
वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स ग्राफ है, तो ये कैसा आएगा? तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव, x पॉजिटिव रहने वाला है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव रहेगा x, यहाँ पर भी ऑब्वियसली x जो है वो y के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, तो ये भी पैराबोला ही होगा, लेकिन ये पैराबोला थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, सॉरी y की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, तो x यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा y को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे x 4 टाइम्स, y को 3 टाइम्स करेंगे x 9 टाइम्स, तो यहाँ पर x की साइड ज्यादा बढ़ेगा, y की साइड कम बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, दिस इज ऑल्सो पैराबोला, बट ये पैराबोला किधर साइड हो गया, x एक्सिस साइड हो गया, ठीक है। सो एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के अगर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला, ओके। अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के क्या है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या आता है, पैराबोला, ओके। नाउ अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स स्क्वायर एंड ग्राफ हम बना रहे हैं y वर्सेज x, तो कैसा आएगा भाई, y इज इक्वल टू एम बाई एक्स स्क्वायर है एंड ग्राफ बना रहे हैं y वर्सेज x, तो कैसा आएगा, अच्छा x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या होता है, x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या होता है, y क्या आया, x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करने पर y इन्फिनिटी आ रहा है भाई, मुफेज प्रणव रॉन्ग बोल रहे हो, x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करो y नहीं आएगा, y की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और y की वैल्यू जीरो करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सो इसको अगर हम ऐसे देखिए कि यार x को हमने बढ़ाया तो y कम हुआ, ओके। तो ये जो ग्राफ है ये भी हाइपरबोला वाला है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंस ये हो सकता है कि ये वाले में देखो क्या है, इस वाले में अगर हम x की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू 2 टाइम्स कम हो गई, x की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ाई तो y की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो गई, x की वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ाई तो y की वैल्यू 3 टाइम्स कम हो गई, ठीक है। या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, x को 2 टाइम्स किया y हाफ टाइम, x को 3 टाइम्स किया y 1 बाई 3 टाइम्स, x को 4 टाइम्स किया y 1 बाय 4 टाइम्स, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो x को 2 टाइम्स करेंगे y 1 बाय 4 टाइम्स, x को 3 टाइम्स करेंगे y 1 बाय 9 टाइम्स, x को 4 टाइम्स करेंगे y 1 बाय 16 टाइम्स, तो इसमें y की वैल्यू ज्यादा कम हो रही है, ओके। तो डिफ्रेंशिएट ऑब्वियसली ज्यादा हम कर नहीं सकते, वैसे ऑब्वियसली y की वैल्यू ज्यादा कम हो रही है, मतलब ये ज्यादा ऐसे टाइप रहेगा ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हाइपरबोला ही बोलेंगे हम, ठीक है। तो ज्यादा दोनों में ग्राफ में हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, दोनों ग्राफ का शेप ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो y या हम ऐसे बोलेंगे, अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला, लेकिन अगर हम इनवर्सली की बात करेंगे कि एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के इनवर्सली है या स्क्वायर के इन्वर्सली है, यहाँ पर क्या है, y जो है वो x के क्या है, स्क्वायर के इन्वर्सली है, ठीक है। तो y अगर x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या स्क्वायर के इन्वर्सली हो, दोनों केस में क्या आएगा, हाइपरबोला ही आएगा, ओके। दोनों में क्या आएगा, हाइपरबोला ही आएगा। नाउ y इज इक्वल टू एम बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो बना रहे हैं y वर्सेज 1 बाई एक्स, तो कैसा ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू एम बाय एक्स स्क्वायर इक्वेशन और ग्राफ बना रहे हैं y वर्सेज 1 बाई एक्स, यस वन, तो y इज इक्वल टू एम बाई एक्स स्क्वायर एंड y वर्सेज 1 बाई एक्स हमने ग्राफ बनाया, तो कैसा आएगा, यस प्रथम करेक्ट है, अर्थ रॉन्ग है, वंस करेक्ट है। तो y और 1 बाई एक्स में क्या रिलेशन हुआ यार,
वाई वन बाई एक्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है? शालिक करंट हमने बोला एक एक्सेस दूसरे एक्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो पैराबोला। तो यहां पर y 1 बाई एक्स के क्या है, डायरेक्टली है या स्क्वायर के डायरेक्टली है? y जो है 1 बाई एक्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है? वी कैन राइट इट एज m इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो y जो है वो 1 बाई एक्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है? y 1 बाई एक्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, y जो है 1 बाई एक्स के डायरेक्टली नहीं है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली है। तो जब स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या आता है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या आता है? तो आता है पैराबोला। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? पैराबोला आएगा। क्योंकि यहां पर y जो है वो 1 बाई एक्स के डायरेक्टली नहीं है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली। तो जब एक एक्सेस दूसरे एक्सेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो क्या आता है? पैराबोला। देखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। एनएफसी फिजिकल के लिए हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट ग्राफ, y is equal to minus mx square and हम ग्राफ बनाएंगे y versus x। तो कैसा आएगा यार? y is equal to minus m by y is equal to minus mx square। यस सुमेर,
सिरत प्रथम बट कैसा? तो देखो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली पैराबोला जैसा ही है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर देखो नेगेटिव रहने वाली, x की वैल्यू पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया, लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो उस नेगेटिव साइन की वजह से y की वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है हमेशा। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो दिस इज y, दिस इज x, तो हमारे पास ये ग्राफ पैराबोला आएगा बट नेगेटिव साइड आएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं इसका उल्टा वाला हो, ठीक है, इसका जस्ट वाटर इमेज हो जाएगा, ओके, इसका उल्टा ग्राफ आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली पैराबोला हो गया बिकॉज y x के स्क्वायर के डायरेक्टली है बट वो नेगेटिव साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, पॉजिटिव साइड में नहीं है, नेगेटिव साइड में। इसके अलावा अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर वाई वर्सेज एक्स ग्राफ कैसा होगा यार, इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू माइनस एम बाई एक्स स्क्वायर, हमें बताना वाई वर्सेज एक्स ग्राफ कैसा होगा। हाइपरबोला होगा, यस प्रथम, तो यहां पर देखो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी बिकॉज x को चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y तो नेगेटिव आएगा x स्क्वायर की वजह से। इसके अलावा x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये जो हमारे पास था ये वाला ग्राफ वैसा ही होगा, लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव वाला था और वहां पर क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, तो ये उसका वाटर इमेज हो जाएगा। मतलब अगर हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स के लिए ऐसा आएगा, नेगेटिव के लिए बनाओगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स के लिए ये वाला हो गया, नेगेटिव एक्स के लिए ये वाला हो गया। अगर हम ये वाले ग्राफ की बात करें तो यहां पर नेगेटिव एक्स के लिए क्या आएगा, इधर आता है ना, ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा वाला ग्राफ आ रहा है बेसिकली, लास्ट टाइम जो ग्राफ थे उसका क्या है, एकदम उल्टा ग्राफ, मतलब वाटर इमेज आ रहा है, ओके, सो बोथ ऑफ दीज आर पैराबोला एंड हाइपरबोला, दिस इज पैराबोला, दिस इज हाइपरबोला, वो किधर साइड है, नेगेटिव साइड है, ओके, y की वैल्यू इनमें क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ओके, सो ये जो ग्राफ्स हैं ये हमारे पास यूज होंगे आगे बोर्स मॉडल में, जब हम रेडियस वगैरह के फॉर्मूले निकालेंगे तब, ठीक है, सो लिख लो फिर हम आगे चलते हैं। यस बिल्कुल, अगर आगे नेगेटिव साइन आ गया तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, उस वजह से पहले वाले का वाटर इमेज आ गया।
चले आगे। तो अब हम यहाँ पर डिराइव करेंगे रेडियस वगैरह के फॉर्मूले की, जो हमारे पास ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूले आए, एक आया था के इंटू जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, सॉरी एम वी स्क्वायर बाय आर, एक ये फॉर्मूला आया। अब एक आर से आर अगर हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया, दिस इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। इसके अलावा एक और हमारे पास आया था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर एम वी आर क्या हो, एन एच बाय टू पाई हो, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन टू। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमें वेलोसिटी भी नहीं पता और आर भी नहीं पता, वी एंड आर ये दोनों अननोन है। हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को यहाँ पर एलिमिनेट कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ से सेकेंड वाले से हम पहले वी निकाल लें, वी क्या होगा, वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एन आर, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट वाले, ठीक है। इस वी को किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले लिखो फिर आगे तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। हो गया सबका। तो अभी इस वी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या एम वी स्क्वायर, तो के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या एम इंटू वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी क्या आया हमारे पास, एन एच अपॉन टू पाई एम आर, सो एन एच अपॉन टू पाई एम आर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो दिस इज के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो इस आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा एक, है ना, तो जो बचा हुआ एक आर है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इसके अलावा बाकी पार्ट राइट हैंड साइड। तो देखो ये ऊपर वाला एम जो है नीचे वाले एक एम से कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, ऊपर बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसके अलावा नीचे क्या बच रहा है फोर पाई स्क्वायर, इसके अलावा एक एम बच गया आर को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है के जेड स्क्वायर ये राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। सो इट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस वाले में हमें एन और जेड को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पता है, एन और जेड जो है इनको छोड़ के ये वाला जो हमने बनाया है ये वाली सारी वैल्यूज पता है, ठीक है। चैतन्य जल्दी देखो,
यस ऑब्वियसली इसके बाद कंटिन्यू करना चेतन, ठीक है। तो यहाँ पर एन और जेड को छोड़ के सारी वैल्यूज पता, तो एन वैसे क्या है, एन हमें पता है ऑर्बिट नंबर है, हियर एन इज ऑर्बिट नंबर, जेड जो है वो क्या है, इट इज एटॉमिक नंबर, एंड बाकी वैल्यू जैसे हमने बताया हमें पता है, जैसे एस जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इट इज 6.62 × 10⁻³⁴, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज 9.1 × 10⁻³⁶ kg, ठीक है। ये क्या था, जूल सेकंड में था इसका यूनिट एच का। इसके अलावा के है, के की वैल्यू पता है ना, के क्या है, इट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड ई की वैल्यू तो हमें थोड़ी देर पहले बताई थी तुम्हें, इट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूल, ठीक है। तो एन और जेड को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर क्या है पता है, तो ऑब्वियसली उन्हें हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ एन और जेड मिल जाएगा, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। प्रणव यहाँ पर हमने जस्ट किया, वी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, बाद में हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें एन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिट नंबर है और जेड जो है एटॉमिक नंबर है। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज पता है, एच की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है रेडियस का, वो देखो ये है, तो आर इज इक्वल टू 0.529 × 10⁻¹⁰ इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यूनिट हो गई थी मीटर, ठीक है। सो 0.529 × 10⁻¹⁰, अच्छा 10⁻¹⁰ को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻¹⁰ जो है वो क्या लिखा जा सकता है, यूनिट क्या मीटर, एम ई टी आर ई, तो 10⁻¹⁰ क्या लिखा जा सकता है, एंगस्ट्रॉम, ओके। सो रेडियस हमारे पास आ गया 0.529 × n² / z एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया। इस रेडियस के फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी यूनिइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल, ओके। तो रेडियस जो है यहां से देख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड,
ओके, अगर हम एन की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू बढ़ती है, बिकॉज रेडियस जो है एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एन की वैल्यू बढ़ाई, आर बढ़ाई, इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम बढ़ा दो। तो हाइड्रोजन का ही अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट और उसी का सेकेंड ऑर्बिट कंपेयर करूंगा तो कौन सा बड़ा होगा यार, जिसका एन बाय उसका आर बड़ा है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्बिट का एन जो है ज्यादा है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर एटम के लिए जितना ज्यादा ऑर्बिट नंबर उतना ही बड़ा उसका साइज होगा। लेकिन अगर हम जेड की बात करेंगे तो जेड को बढ़ाने पर क्या हुआ, क्या होगी, कम होगी ना, बिकॉज इनवर्सली है। तो अगर हम हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट एंड हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट इन दोनों को कंपेयर करें, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट को और हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट को, तो कौन सा बड़ा होगा, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बड़ा होगा या हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट ऑर्बिट बड़ा होगा, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जेड को बढ़ाने पर रेडियस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एन को ऑब्वियसली जब हम जेड को बढ़ा रहे हैं मतलब एन को कांस्टेंट रखना है, तो दोनों का फर्स्ट ऑर्बिट कंपेयर किया मतलब एन को कांस्टेंट रखा हमने, तो जेड बढ़ाया आर कम हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए जेड वन है, हीलियम पॉजिटिव के लिए जेड टू, तो हीलियम पॉजिटिव का जेड ज्यादा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। ओके, तो एन बढ़ाने पर आर बढ़ता है, मतलब बढ़ाने पर रेडियस बढ़ती है ऑर्बिट की, लेकिन जेड को बढ़ाने पर ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो लिखो ये, तो आगे चलते हैं। आर की वैल्यू कैसे आ गई सर, अरे यार ना अभी तो बताया कि जो लास्ट वाला लास्ट पेज पर हमने नहीं लिखा था क्या भाई, ये लास्ट पेज पे क्या ये रहा ना आर, तो इसमें एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, एम की वैल्यू कर, के की कर, ई की कर, बचा एन और जेड, ठीक है। तो जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है वो एन और जेड के टर्म्स में मिल रहा है, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, समझ आया नहीं आया, डिवाइड कैसे किया उनको, डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है, डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रखो ना, डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या पावर्स हैं, पावर्स को एक साथ ले लो, बाकी पार्ट को एक साथ ले लो, 10^10 वाला पार्ट एक साथ करो और बाकी कैलकुलेशन एक साथ करो तो आंसर आएगा, मुफीद एमवीआर इज इक्वल टू एनएच बाई 2π कैसे हुआ, तो ये तो हमने बताया था ना, बोर्स मॉडल का थर्ड पॉइंट यही तो है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब mvr क्या होगा, nh/2π होगा, थर्ड पॉइंट यही तो लिखवाया था बोर्स मॉडल में, तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया। नाउ अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए, जैसे हमने तुम्हें बताया था कि ग्राफ यूज गए, तो अगर हम यहाँ पर रेडियस वर्सेज ऑर्बिट नंबर ग्राफ बनाएंगे, आर वर्सेज एन ग्राफ बनाएंगे, तो कैसा आएगा यार, आर वर्सेज एन ग्राफ कैसा आएगा, रेडियस एन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो रेडियस एन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, रेडियस एन के स्क्वायर के डायरेक्टली है, रेडियस जो है वो एन के स्क्वायर के डायरेक्टली है, तो जब स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आती है तो क्या आता है, पैराबोला आता है, बताया था ना हमने, तो हमारे पास पैराबोला आ जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से स्टार्ट है तो हमारे पास पैराबोला आ जाएगा। अगर हम ग्राफ बनाएंगे आर वर्सेज जेड, तो कैसा ग्राफ आएगा यार, आर वर्सेज जेड,
आर वर्सेस जेड ग्राफ कैसा आएगा? आर जेड के क्या है, आर जेड पर कैसे डिपेंड कर रहा है? आर जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ हमने क्या बताया था? हाइपरबोला बताया था। ओके, व्हाट अबाउट आर वर्सेज वन बाय जेड? आर वर्सेज वन बाय जेड कैसा होगा? यस युतिक, ऑब्वियसली ग्राफ बनाने, दैट्स व्हाई हमने ड्रॉ किया है ना। आर वर्सेज वन बाय जेड ग्राफ कैसा होगा? आर वन बाय जेड पर कैसे डिपेंड कर रहा है? आर जो है वन बाय जेड पर कैसे डिपेंड कर रहा है? आर जेड के तो इनवर्सली है, लेकिन वन बाय जेड के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात होती है तो क्या आता है? वो स्ट्रेट लाइन आता है। समझ आया ना कॉन्सेप्ट? तो हमने जो ग्राफ बनाए वो यूज हो रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन तुम्हें मतलब दिए भी जा सकते हैं, पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर वर्सेज जेड ग्राफ, ठीक है। तो तीन चार ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक ऑप्शन ये दे दिया आर वर्सेज वन बाय जेड ग्राफ के लिए, ऑब्वियसली ये क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया, बिकॉज आर वन बाय जेड के क्या है? डायरेक्टली। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर के डायरेक्टली है तो पैराबोला, इनवर्सली है चाहे स्क्वायर के इनवर्सली है तो हाइपरबोला। यस साहिल, आर एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई वो पैराबोला। आर एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो पैराबोला। क्लियर है सबको ना ग्राफ? यस, आर एंड जेड का जो है, आर एंड जेड का हाइपरबोला, आर वर्सेस जेड जो है वो क्या हो गया? हाइपरबोला, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है, तो जो हमने नोट्स तुम्हें आज लिखवाए इन्हीं को एक बार रिवाइज कर लो। ओके, तो आर आर बाय वन अपॉन एन, नहीं आर बाय वन अपॉन एन जो है, देखो आर वर्सेज एन क्या हो गया? पैराबोला हो गया। यस यस सलील, आर वर्सेज एन जो है पैराबोला है, तो आर वर्सेज वन अपॉन एन जो है वो हाइपरबोला हो गया। उल्टा हो गया ना, आर वर्सेज वन अपॉन एन क्या हो जाएगा? हाइपरबोला, क्योंकि आर जो है वन अपॉन एन के स्क्वायर के डायरेक्टली होगा तो हाइपरबोला होगा। ओके, तो लेक्चर में यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क जो है कुछ नहीं है, तो जो हमने तुम्हें क्लास में आज पढ़ाया है वो एक बार रिवाइज कर लो। ओके, बाय, टेक केयर।